जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र विक्रम सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता था, आज तक हम लोगों के प्रयास जो हम लोग इतने बार इतने सारे सांसद से मिले, दो तीन बार दिल्ली गए, अपने बोर्ड में प्रोटेस्ट किए और वो भी हाई लेवल का, उन सारे चीज़ों का परिणाम आप लोगों को जैसे पता चल ही गया है कि धीरे धीरे अब मिल रहा है। 14 तारीख को जो नोटिस आया है, सभी बोर्ड से डाटा मांगा गया है, ऑल जोनल रेलवे से, उस नोटिस को सबसे पहले इम्प्लीमेंट सेंट्रल रेलवे मुंबई ने किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले बार भी 22 अक्टूबर को जो रिज़ाइन एवं ट्रेनिंग लेफ्ट या डेथ होने पे जो रिप्लेसमेंट का डिमांड होता था विद इन 1 ईयर, वो भी सबसे पहले रूल फॉलो मुंबई ने ही किया था। तो आप सभी मुंबई के कैंडिडेट बोर्ड के जो कि मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं कि आप मुंबई चलिए मुंबई चलिए, मैं उन सभी छात्रों के साथ साथ सभी बोर्ड के छात्रों को बोलना चाहूँगा, आप लोग को पता है कि मुंबई में 4 तारीख से लगातार हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, आप हमें पटना में ही समर्थन दें। सभी बोर्ड के कैंडिडेट, चाहे आप कहीं भी हैं भारत के किसी भी कोने से, मेल हो या फीमेल हो, लगातार हमारी बातें चल रही है, मांग उठ रहा है, वहाँ पे हमें प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप दूसरे बोर्ड में जाके प्रोटेस्ट कीजिए, यहाँ क्यों करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से भी हमारी बातें वहाँ तक पहुँचे। और रेल बोर्ड को, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, प्रत्येक साल मार्च में वैकेंसी की रिव्यू होती है, उनके पास ऑलरेडी डाटा है भी, तो हमें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इनका एक ये भी साजिश हो सकता है कि बच्चों को जोनल वाइज बांट दो और फिर बच्चे जोनल में जाते रहेंगे, इनका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा यूनिटी। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को जो नियर बाय कैंडिडेट है जिस भी जोनल के, चाहे वो आपका बोर्ड हो या नहीं भी हो, फिर भी आप उनके समर्थन से वहाँ जाएँ। बट प्रत्येक बच्चा, 10-10 लड़के ही जो पटना में बैठ रहे हैं, उन्हें बैठने दीजिए, आइए आप लोग भी, उनके रहने पीने खाने पीने का जो खर्च हो रहा है उसमें थोड़ा सा अपना भी इन्वॉल्वमेंट दीजिए। ये लड़ाई सबकी है, सबके लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं इतने सारे अभी तक के किए गए प्रयास का रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। अब लग रहा है कि हमने जो सपना और हमारे माता पिता ने जो सपना देखा था कि मेरा बेटा एक दिन कुछ ना कुछ करेगा, वो हमारा पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो आप लोगों के समर्थन के ही वजह से कुछ हो पाया है या आगे हो पाएगा, तो आप लोगों का समर्थन हमें ज़रूर चाहिए। साथ ही साथ अपने माता पिता को सपना को पूरा करने का आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है। मुझे इतनी रात को ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है कि आप लोगों में एक यूनिटी में एक फुट दिख रही है कि 17 तारीख को अपने अपने जोनल रेलवे चलो, ये बात सही है, जाइए। उसके अलावा अदर बोर्ड के भी हैं, वो भी वहाँ पर जाइए, लेकिन जिनके नज़दीक में, अब ऐसा नहीं कि कोई बिहार का छात्र मुंबई जाएगा तो कोई सिकंदराबाद जाएगा, कोई जबलपुर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उस स्टेट के आसपास के छात्र, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हैं, वो वहाँ पे जाए, अपना समर्थन दे के उनकी बातों को रखें कि हमारा एक ही मेन फोकस होना चाहिए कि हमें इंडेंट दिया जाए। जब आप इंडेंट की बात रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका रिप्लेसमेंट आ जाएगा। मुंबई में भी स्टार्टिंग से ही मैंने यही बात रखा था, तो आपका रिप्लेसमेंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो और एक बात, ये भी कोशिश नहीं करेंगे कि एलपी टेक्नीशियन में बटने की, दोनों की साथ ही बात रख के एलपी का ज़्यादा चांसेस होता है, ये बात सही है, लेकिन टेक्नीशियन की भी चांसेस कम होती है, ये भी गलत बात है। क्योंकि आपको पता है, एक ट्रेन को चलाने में दो एलपी, एक एलपी, एक एलपी का ज़रूरत होता है, तो उस ट्रेन के मेंटेनेंस में 10 से 15 टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, तो वो तो गलत बात है। आप यूनिटी में लेके चलें, साथ दें, हमारा पटना प्रोटेस्ट हमारा सक्सेसफुल होगा और अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, आप सभी का समर्थन अगर हमें मिले तो रेगुलरली। और गर्ल्स कैंडिडेट, अगर आप लोग भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी अपना समर्थन जरूर दें। और रही बात एलपी टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी आने की, तो जब तक वेटिंग क्लियर नहीं होता है तब तक वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, चाहे 2023 हो जाए या 24 हो जाए, कोई भी वैकेंसी नहीं आनी चाहिए रेलवे की, ये बात सही है। क्योंकि जो बच्चे 4-4 एग्ज़ाम पास करके आए, डिग्री हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा, और पहले भी डाइवर्जन हो चुका है। और साथ ही साथ आप डाइवर्जन का भी बात रखेंगे, जैसे कि आरआरबी पटना में हमें वहाँ की डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा बताया गया था, एससी एसटी कम्युनिटी में 105 सीट खाली है। तो जिस भी किसी बोर्ड में जिस कम्युनिटी की सीट खाली है
वहाँ पे हमें डाइवर्जन दिया जाए पहले होता था, और सेकेंड टीवी, थर्ड टीवी, फोर्थ टीवी हो रहा है वो भी गलत है। पहले आप वेटिंग वाले बच्चे को ले लीजिए, उसके बाद आप डाइवर्जन करते रहिए। तो उम्मीद है जिन भी बच्चों तक ये हमारी बातें पहुंच रही है, वीडियो पहुंच रही है, आप लोग, ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ फिर से एक बार दोबारा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको बताइए, अपने माता पिता को कन्विंस कीजिए, ये प्रोटेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस प्रोटेस्ट में समय दें। आप लोग सप्ताह के 5 दिन चल रहे हैं, 5-5 दिन करके ही दीजिए, चेंज होते रहेगा लड़का, और ये प्रोटेस्ट एक लंबा चलेगा, हमारी मांगें ज़रूर पूरी होगी। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमें समर्थन दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।